सो गाइस, आ गए हम लोग एक नई यूनिट को कवर करने के लिए, जो कि है यूनिट 5, प्रकार व्यवहार। तो प्रकार व्यवहार को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ा जाए। ज़्यादातर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं अभी आपको एक चीज़ छोटी सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये सब चीज़ें फर्स्ट ईयर में पढ़ा दी गई थी बुक में, तो ये चीज़ें अब जिन लोगों को नहीं समझ में आई कि प्रकार व्यवहार क्या होते हैं, तो इनको डायरेक्ट प्रकार व्यवहार को यूट्यूब पर सर्च करके उसको समझना पड़ेगा, तब आना। और मैं कहूँगा ये सब चीज़ आप एग्ज़ाम से पहले करना, क्योंकि ये सब चीज़ पहले से पढ़ के आप लोग भूल सकते हो गजनी की तरह। सो टाइम, अगर आप भूलने की क्षमता नहीं है तो यार पहले भी कभी भी पढ़ लो। सो प्रस्तावना पे हम लोग आते हैं। मनोविज्ञान चिंतन के वास्तव में प्रथम अमेरिकी विचारधारा है जिसे प्रकारवाद विकास शेयर श्रेय अमेरिका के सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानी विलियम जेम्स को जाता है। उनके पहले प्रकारवादी मनोवैज्ञानिक ने मस्तिष्क की संरचना अथवा संयोजन पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केवल उनकी प्रकार कार्य प्रणाली का अध्ययन किया। प्रकारवादियों ने मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों और कार्यविधियों की व्याख्या की, जो संसार में प्राणियों व्यक्तियों और व्यवहारों के उत्तरदायी है। उन्होंने अच्छी तरह समझा कि मानसिक प्रक्रियाएं जीवधारी और मनुष्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में किस प्रकार सहयोग करती है। तो अब अलग अलग वैज्ञानिक का दिया हुआ क्या क्या उनकी राय थी, जो कि अभी हमको नहीं पढ़नी है, बस उतना के लिए कहानी बहुत है। सो मनोविज्ञान में प्रथम संप्रदाय सरसवाद अथवा प्रकारवाद। प्रकारवाद प्राय सरसवाद को विरोध किया, इसलिए वह मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा बन गई। प्रकारवाद यह दावा करता है कि उनका विचार तब मौजूद था जब सरसवाद में अस्तित्व नहीं आया था, वो अस्तित्व में नहीं आया था सरसवाद। प्रकारवादी मनोविज्ञान के अनुसार जब नए मनोविज्ञान का विकास हुआ था, तब प्रकारवादी मनोविज्ञान की नींव डाली जा रही थी। समझे, इतना बिल्ली का बच्चा था वो। डार्विन गैल्टन और प्राणियों के व्यवहार के अध्ययनकर्ताओं ने प्रकारवादी मनोविज्ञान में नींव डाली। 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ पिजिंग प्रकाशित की, जो विकासात्मक के अध्ययन में एक मील का पत्थर है। एक वर्ष पहले फिकनर ने एलिमेंट्स ऑफ द साइकोलॉजी प्रकाशित की थी, जो 20 वर्ष पहले वुंड के डिब्जिंग जर्मनी और मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला से स्थापित किया था। थू खड़ा हो, बाकी चीज कुछ काम की नहीं है, बाकी चीज सच में कुछ काम की नहीं है, बस उतने ऊपर वाली चीज थोड़ी बहुत काम की है। प्रकारवादियों के पूर्ववर्ती, तो प्रकारवाद से पहले क्या था? ओ माय गॉड, गड़बड़ हो रहा था। अच्छा था, देख लिए, तो स्क्रीन पे तो धुंधे दिखता रहता और हम इधर बड़बड़ा दिए होते सब कुछ। तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत के मानव चेतना का संरचनात्मक तथा कार्यात्मक मनोविज्ञान के विशेषक रूप में परिभाषित किया। एक ही प्रजातियों के प्रणालियों में मनुष्य में विभिन्नताएं को चार्ल्स डार्विन ने बताया व्याख्या करने करते हुए बताया कि मनुष्य मनुष्य के बीच जो विविधताएं मौजूद होती है, उसका कारण मनुष्यों में अनुवांशिकता होती है। मतलब मेरे और आपके बीच में जितनी सारी डिफरेंट चीजें हैं, वो सब आपके और मेरे बीच की अनुवांशिकता है। आपके पापा मम्मी अलग है, हमारे पापा मम्मी अलग है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन के प्रक्रिया को व्याख्या की, जो समझाया कि इस सृष्टि में केवल वही जिंदा रहते हैं जो पर्यावरण अथवा परिस्थितियों के अनुकूल अपने आपको ढाल पाते हैं। अब आप लोग सर्दी में, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है माइनस में, तो आप ऐसा तो है नहीं ठंडे पानी से नहा के बाहर घूमने निकल जाओगे, तो आप निकल लोगे ऊपर। तो पाते हैं प्राणी का अनुकूल नहीं, तो वो पाए प्रकृति के उस प्रक्रिया को विलुप्त हो जाता है, आप गायब हो जाओगे एकदम। ऐसा करोगे तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद और प्राकृतिक चयन की प्रक्रियाओं के विशेष रूप में चकार किया। अपने इसी कार्य को कारण चार्ल्स डार्विन ने विचार प्रकारवाद को उद्भव व्यवहार और रूप में विकास और विश्लेषण का निरीक्षण किया। इसी के आधार पर घोषणा की कि किस प्रकार विभिन्न स्तरों पर जानवरों और प्रजातियों में विकास करते हुए अंततः मनुष्य विकसित हुआ। और चार्ल्स डार्विन ने जानवर मनोविज्ञान के अध्ययन के आधार पर अपने विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या की। चार्ल्स डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत की प्रक्रिया को विशेष जोड़ दिया, इसलिए इसका उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के मानसिक संरचना और उनके व्यवहार का वर्णन करने समय मनोवैज्ञानिक ने किया। टाटा बाय बाय, खत्म, बस इतनी पढ़ो, ऐसे भी ज्यादा पढ़ लिया।
फ्रांसिस गैल्टन चार्ल्टन के ऊपर पारिवारिक रिश्ते में भाई थे, भाई भाई कजन भाई। उन्होंने मनुष्यों की अनुवांशिकता और उनके विशद अध्ययन किया। उन्होंने विशेष रूप से अपने ये सब बकवास चीजें सब पढ़ने लायक है नहीं, जॉन रोजर्स और डी मार्गन, हर्बन स्पेरेंस, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स क्या बोला था, चलो देखते हैं। विलियम जेम्स एक महान मनोवैज्ञानिक में से माने जाते हैं, और जॉन डेवी ने उन्हें अमेरिका के सबसे महान मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी है। जॉन वाटसन उन्हें दुनिया में सबसे बुद्धिमान मनोवैज्ञानिक बताया गया। जेम्स ने मनोविज्ञान की औपचारिक प्रणाली की स्थापना नहीं की थी और न ही मनोविज्ञान के परीक्षण भी नहीं दिया था, परंतु मनोविज्ञान के विकास में उनका योगदान विशेष है। प्रकारवाद की विचारधारा के मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा सराहनीय है। प्रकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनके विचारों पर और क्या विचार थे तो बताओ। विलियम जेम्स की किताब द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1980 के अंतर्गत प्रकारवाद के केंद्रीय सिद्धांत बने, जिसके अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य यह जानना था कि लोग पर्यावरण के साथ अनुकूल किस प्रकार करते हैं या रहते हैं। करते हैं ये रहा लिखा इधर, तो चेतना के तत्वों का विश्लेषण करना मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है। प्रकारवाद की स्थापना, जो मनोविज्ञानी प्रकारवाद की स्थापना से जुड़े रहे, जिन्होंने प्रकारवाद की नींव डाली और उन्हें मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई विचारधारा को जन्म देना नहीं था। यह सब लोग वुंट और टिचनेस के संकीर्ण दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। वे प्रचलित मनोविज्ञान के संशोधन चाहते थे। यही कारण है कि प्रकारवाद में मौजूदा मनोविज्ञान के विभिन्न विचारधाराओं में से किसी एक आत्मसात नहीं दिया। आत्मसात नहीं, प्रकार की विचारधारा में सार करने के लिए रुचि न होने के कारण प्रकारवाद अपने रचनावाद की तरह कठोर नियमों से नहीं बंधा। प्रकारवाद के शिकागो संप्रदाय, बकवास चीज। जेम्स रोनाल्ड एंजिले, ये भी कोई खास नहीं है। जेम्स रोनाल्ड एंजिले, हार्वे कॉर्ड भी कोई खास नहीं है। प्रकारवाद की आलोचनाएं ये पढ़ लो। प्रकारवाद सबसे ज्यादा विरोध संरचनावाद द्वारा किया गया। मानी बात एक दूसरे को काटेंगे। इन दोनों मनोवैज्ञानिक की विचारधाराओं ने अनुयायियों के बीच इतना तीव्र विरोध था कि ईंटें पत्थर चल जाते थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक तो दो भागों में विभाजित हो गए, टिचनेस से संरचनावाद तथा शिकागो के संप्रकारवाद। शिकागो अमेरिकी का कहीं छोटा मोटा प्रांत है, मतलब स्टेट है शायद, या अभी हमें याद नहीं है, लेकिन है उधर ही यूरोप साइड या अमेरिका साइड है, अमेरिका ही साइड है। प्रकारवाद में सबसे अधिक आलोचना इस बात को लेकर हुई कि प्रकारवाद शब्द के ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। क्रिश्चियनस के एक शिष्य रुकमिक ने फंक्शन शब्द को अपने मनोविज्ञान की 15 परिचयात्मक पुस्तकों में प्रयोग किया। फंक्शन शब्द का इस्तेमाल प्राय दो अर्थों में किया जाता है, क्रिया और पद्धति। दूसरी पद्धतियों में सेवा के लिए अथवा पूरी जीवनधारी के लिए। पहले उदाहरण में फंक्शन गतिविधियां शब्द का पर्यायवाची है। उदाहरण के लिए याद करने अथवा समझने के कार्य फंक्शन किया जा सकते हुए, तथा दूसरे उदाहरण में फंक्शन शब्द का प्रयोग प्रणाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को उपयोगिता की व्याख्या करना, जैसे भोजन को पहचाना एक कार्य है। इन निष्कर्षों के आधार पर रुकमिक और प्रकारवादियों ने इस बात के विरोध किया कि उन्होंने फंक्शन शब्द को द्व्यर्थक रखा, जिनके कारण उपयोग असंगति बने रहे। इन आलोचनाओं के 17 वर्ष हार्वे कॉर्न ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों उदाहरणों में एक ही पद्धति के बारे में कहा गया है, इसलिए दोनों परिभाषाएं विसंगति नहीं है। दूसरी आलोचना टीचरनेस की तरफ से आई आई टीचरनेस के अलावा अन्य संरचनावादियों ने प्रकारवादियों की परिभाषाओं की आलोचना की। उन्होंने दावा किया प्रकारवादियों के अध्ययन विषय तथा अपने द्वारा निर्धारित पद्धतियों के कायम नहीं रहते, इसलिए उनके द्वारा प्रतिपादित प्रकारवादियों को मनोविज्ञान नहीं माना जा सकता है। यह तर्क दूर तक गया। टिचनर्स के विचार से यदि कोई विज्ञान अंतर्निरीक्षण तथा आत्मविश्लेषण द्वारा मन मस्तिष्क तथा उनसे जुड़े घटकों का अध्ययन नहीं करता तो उसे मनोविज्ञान नहीं माना जाता। तो भागो यहाँ से, शू ऐसे कर दिए सब। तो प्रकारवादियों का योगदान, तो संरचनावाद और उनके मौलिक सिद्धांत विरोध करके प्रकारवादियों ने चेतना की जैविक संरचनाओं के स्थान पर चेतना के कार्यों को मनोविज्ञान में अध्ययन के केंद्र में ला खड़ा किया।
दूसरे योगदान प्रकारवाद का यह है कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और जानवरों का अध्ययन में भी सामविशित कर लिया। इतना ही नहीं, जानवरों के साथ साथ प्रकारवादियों ने अबोध बच्चों की मानसिक अशक्त व्यक्तियों के अध्ययन को भी मनोविज्ञान के अंतर्गत ला दिया। मनोविज्ञान अनुसंधान की पद्धतियों के दायरे में भी प्रकारवादियों ने बढ़ा लिया। संरचनावादियों तथा इस्तेमाल किए जाने वाले अंतर्निरीक्षण के तरीकों के अलावा प्रकारवादियों ने मनोवैज्ञानिक मापदंडों, मानसिक परीक्षणों, साक्षात्कार तथा व्यवहार की वस्तुपरक व्याख्याओं को भी मनोविज्ञान के अध्ययन के केंद्र में ला दिया। सारांश, कहानी खत्म होने को आ गई है लग रहा है। हाँ, कहानी खत्म, पैसा जम बजाओ ताली। सो नेक्स्ट खंड आ गया है, खंड 3, मनोगति को पागम। लेकिन इससे हम लोग क्या लेना देना है, हम तो यूनिट के हिसाब से पढ़ रहे हैं इस बार। सो मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण नेक्स्ट यूनिट है, क्योंकि यूनिट 6 होगा। इसमें से हम लोग इस यूनिट में, सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो कि अगर आप पढ़ने वाले हो तभी आपको अच्छी लगी होगी, नहीं तो आप लोग को क्या अच्छी लगी होगी, समझ में नहीं आई होगी कुछ चीजें। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन और डाउट हो तो आप कमेंट करना जरूर भूले, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी दी हुई है, अगर आपको किसी चीज़ को कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जाओ पढ़ो लिखो खुश रहो।